चाहे आपका नष्ट हो जाएंगे। किसका? शिव जी का अगर स्वप्न में, हाँ, मतलब शिवलिंग के रूप में या साक्षात किसी भी रूप में अपने गुरु का भी दर्शन कर लिए तो वो आपके जीवन से समस्या का अंत जो है। बहुत लोग बाबा जी अपने ईस्ट गुरु, जो गुरु को वो मानते हैं, जिंदगी भर पूजा करते हैं, उसका स्वप्न भोर में देखते हैं, ऐसी कुछ बातें आई थी कि, तो बहुत लोगों का सवाल था कि अपने ईस्ट गुरु का, सदगुरु का, जिनको वो मानते हैं, उनका सपने में दर्शन करने का क्या मतलब होता है, या फिर साथ में अगर कोई भगवान का भी दर्शन हो जाए तो इन दोनों का क्या मतलब भी होता है? आपके गुरु अगर स्वप्न में दिख रहे हैं तो जीवन से रास्ता निकलेगा, जो भी समस्याओं से चल रहा है उसका आपके जीवन में रास्ता खुलना चालू हो जाएगा। ठीक है, जो भी जीवन में आपका उद्देश्य है उसके लिए मार्ग प्रशस्त होने चालू हो जाएगा। इष्ट का भी स्वप्न देखना मतलब सिद्धि की तरफ ले जाता है, और गुरु का भी स्वप्न आपके जीवन में दिशा देने का कार्य करेगा। तो दोनों प्रकार से स्वप्न वो मतलब ये बहुत पॉजिटिव है। जी जी बिल्कुल सर। ओके, बहुत लोग कहते हैं सारे ऐसे, कई लोग कहते हैं कि ये गुरु को देख लिया तो मतलब सारे संकट खत्म हो रहा है, क्या ये जादू की तरह काम करता है क्या, क्या ऐसा कुछ? वो बोले ना कि जीवन में जिस प्रकार से प्रारब्ध होता है उसी हिसाब से ये प्राकृतिक लक्षण है। जैसे छिपकली का पतन, छिपकली राहु के जीव होते हैं जिसके कारण से जब गिरते हैं ना तो राहु जीवन में आता है तो अचानक उथल पुथल करता है। अगर वो शुभ भाग में गिरता है तो अचानक राहु परिवर्तन का काम करता है। जो जिसके कुंडली में राहु शुभ है उसको वो छिपकली ये दिखाता है कि उसके जीवन में अचानक लाभ होने वाला है। अगर राहु अशुभ है तो वो छिपकली पतन करता है, अशुभ भाग में करता है तो उसको अचानक विपत्ति दिखाता है। ठीक है, तो वो आपके प्रारब्ध के हिसाब से भी प्रकृति आपको जो है ना संकेत देता है। ठीक है, ये सगुण है, ये सगुण शास्त्र होता है कि हाँ ये ऐसा नहीं कि इसके कारण से ऐसा हो जाता है। क्योंकि आपके जीवन में अच्छा बुरा होना होता है तो प्रकृति आपको संदेश देता है और उसको हम समझ करके उससे आप सावधान हो जाइए और अपने इष्ट देवता के जो है शरण में चले जाइए। और गुरु अगर आते हैं, भगवान आते सपने में, तो क्या उठ के कुछ करना चाहिए हमें, ऐसा भी कुछ? उनसे प्रार्थना करना चाहिए, अपने ध्यान में उनसे करना चाहिए कि हमको आपने स्वप्न में दर्शन दिया, हमारे जीवन में भी आप मार्गदर्शन करिए, हमको आगे लेके चलिए। बहुत लोग ऐसा भी लोग कहते हैं, सुना है हमने, कहते हैं कि भगवान आपको याद करते हैं या आप तब वो सपने में आते हैं, ऐसे इस कलयुग में साक्षात दर्शन नहीं होंगे, वो सपन के थ्रू ही आएंगे, ऐसा है क्या कुछ? देखिए, जब आप बहुत अच्छे से जुड़ जाते हैं तो भगवत प्राप्ति का मतलब होता है ना एक चरण होता है, तो प्रथम चरण में ईश्वर की का अनुभूति ही होता है, जिसमें स्वप्न में दिखना, आभास मिलना, ये प्रथम लक्षण होता है। जो अच्छे से जब इष्ट से जुड़िएगा तो वो आपको उसी रूप में आपको प्राप्ति होगा, स्वप्न के स्वास्थ्य के द्वारा या किसी भी चीज में प्रतिबिंब महसूस होना। ठीक है, जैसे आप शिवलिंग में ही उनका छवि दिखने लगना, तो ये सब प्रारंभिक लक्षण है। तो वही लोग मतलब पॉजिटिव है ये। बिल्कुल बिल्कुल,